नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। हाल के वर्षों में लोगों में घर को खरीदने के प्रति रुझान कम होता जा रहा था और लोग घर में पैसा लगाने की जगह विलासिता की वस्तुओं में पैसा लगाना अधिक पसंद कर रहे थे। परंतु कोरोना महामारी से एक बार फिर से इस सोच में बदलाव आया है और लोग आज फिर से घर के महत्व को समझने लगे हैं। इसका मुख्य कारण है स्थायित्व और सुरक्षा, जो कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसका खुद का घर हो तो उससे मिलती है। वर्तमान में जहां बहुत सी नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में अपना खुद का घर जहां रेगुलर रेंट देने के खर्चे को बचाता है, वहीं एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी घर आज बहुत से लोगों की पहली पसंद है। हाल ही में किए गए एक ऑनलाइन पोल में 76% लोगों ने अपने खुद के घर को किसी भी अन्य असेट क्लास से ऊपर रखा और उसे एक बेहतर निवेश बताया। कोरोना महामारी की वजह से आज वर्क फ्रॉम होम कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत से प्रोफेशनल्स जो पहले घर में बहुत कम समय बिताते थे, उन्हें आज घर में बहुत अधिक समय बिताना पड़ रहा है और ऐसे में वे अपने खुद के घर का महत्व समझ रहे हैं। बहुत से लोग आज एक बड़ा घर चाहते हैं जिसमें अलग से ऑफिस स्पेस हो, ताकि वे वर्क फ्रॉम होम आसानी से कर पाएं। अगर हम घरों की रेट्स की बात करें तो यह पिछले 5 सालों के निचले स्तर पर है और इसमें अच्छा खासा टाइम करेक्शन पहले ही आ चुका है। साथ ही साथ इस कोरोना महामारी के प्रभाव की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लगभग 5% तक और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में लगभग 20% तक करेक्शन आने की उम्मीद है। वर्तमान में यह एक बायर्स मार्केट है और आज घर खरीदार जिस तरह की बार्गेनिंग की स्थिति में है, वैसा वह पहले कभी भी नहीं था। बिल्डर्स भी इस समय संकट से गुजर रहे हैं और वे अपने घरों को बेचने के लिए नए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट और मीडियम सेगमेंट में है, तो बिल्डर्स भी इन्हीं दोनों सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। घर खरीदारों के पक्ष में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आज होम लोन रेट्स अपने आज तक के निचले स्तर पर आ गई हैं। RBI ने हाल ही में पॉलिसी रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती करी और यह कम होकर 4% तक आ गई। साथ ही साथ RBI ने बैंकों के लिए कुछ रूल्स भी बना दिए हैं कि अब किसी भी रेट कटौती का लाभ बैंकों को कस्टमर्स तक पहुंचाना होगा। तो ऐसे में सभी बैंकों ने अपने होम लोन की रेट्स को कम किया और आज यह 7 से 7.5% तक आ गई है। अब बैंक्स आपको क्या रेट ऑफर करेंगे, यह तो आपके सिबिल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, क्या आप नौकरी पेशा हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, ऐसे अनेक फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करेगा। परंतु आज सभी लोगों के लिए देखा जाए तो आज होम लोन रेट्स बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर हैं। अगर हम प्रमुख बैंकों की होम लोन रेट्स पर नज़र डालें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन रेट्स 7.35% से 8.25% तक, पंजाब नेशनल बैंक की होम लोन रेट्स 6.8% से 7.4% तक, HDFC बैंक 7.5 से 8.5 और ICICI बैंक 7.7 से 8.8%। भविष्य में भी इस बात की संभावना है कि RBI मांग बढ़ाने के लिए और भी रेट्स में कटौती कर सकता है। तो ऐसे में ये रेट्स या तो वर्तमान लेवल पे बनी रहें या फिर इससे और भी कम हो जाएं, इस बात की भी संभावना है। अगर हम बॉम्बे जैसे शहरों की बात करें जहां पर रेंटल यील्ड लगभग 2.5% है, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ निवेश कर प्रॉपर्टी को रेंट पे भी चढ़ाना चाहते हैं तो यह एक उपयुक्त समय हो सकता है, क्योंकि अगर आप 7.5% पे लोन ले रहे हैं और 2.5% आपको रेंटल यील्ड मिल रहा है, तो आपका इफेक्टिव जो ब्याज लगा वह 5% ही लगा, जो हर दृष्टि से घर खरीदार के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसे में अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बायर्स मार्केट में जहां घरों की रेट्स अपने निचले स्तर पर हैं और साथ ही साथ आपको 80 से 90% तक लोन बहुत ही कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है, तो यह ज़्यादातर लोगों के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश करने का और अपने सपनों के घर को खरीदने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।